जोर से 25 25 जोर से बोलो 50 बोलो 25 50 25 50 क्या आड़ में मेरा भी 25 50। और महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए 25 वर्ष पिछली कमंडल के साथ और आप सबकी प्रेम मोहब्बत के साथ निकाल दिए। आज अपन देखेंगे, मैं छोटी सी कविता से अपनी बात को शुरू करूंगा कि कैसी है विडंबना की आए ना समझ पाए, कि कैसी है विडंबना की आए ना समझ मुझे, कि लाल हुआ नदियों का नीर मेरे देश में, कि कैसी है विडंबना की आए ना समझ मुझे, कि लाल हुआ नदियों का नीर मेरे देश में, कि कोई कश्मीर कोई खालिस्तान मांगता है, लक्ष्मा जी, कि कोई कश्मीर कोई खालिस्तान मांगता है, कोई मांगता है माँ का चीर मेरे देश में, कि कोई कश्मीर कोई खाली स्थान मांगता है और कोई मांगता है माँ का चीर मेरे देश में, कि गली गली द्वार द्वार बेवसी की है पुकार, कि गली गली द्वार द्वार बेवसी की है पुकार, हो रही है जनता अधीर मेरे देश में, कि गली गली द्वार द्वार बेवसी की है पुकार, कि हो रही है जनता अधीर मेरे देश में, कि फिर से बड़ा अधम, कि फिर से बड़ा अधम पाप का विनाश चक्र, कि फिर से बड़ा अधम, कि फिर से बड़ा विधम पाप का विनाश चक्र, कि आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में, कि आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में, कि आ जाओ दोबारा महावीर मेरे देश में। महान बाप भगवान महावीर स्वामी जैनों के तीर्थ नगरी थे। भगवान महावीर स्वामी ने जैनों के लिए संदेश नहीं दिया, भगवान महावीर स्वामी जैनों के नहीं थे, महावीर स्वामी तो जन जन के थे, उनका उपदेश उनके सिद्धांत खाली जैनों के लिए नहीं थे, उनका सिद्धांत उनका उपदेश जन जन के लिए था। उन्होंने एक जैनों के लिए जीना नहीं सिखाया, उन्होंने जन जन के लिए जीना सिखाया और जन जन के लिए मरना सिखाया। और आज यही कारण है हम लोग, मैं अक्सर मंच पर कहा करता हूं, गर्व से कहो कि हम जैन हैं। बोलो गर्व से, बोलो गर्व से कहते हैं हम जैन। कभी गर्व से कहो जैन हैं, इसलिए कहो जैन हैं कि वो महावीर स्वामी जो जन जन के लिए, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हम उनकी संतान हैं, वो हमारे शासन काल के देवता हैं। शासन काल कर रहा है उसके देवता यदि कोई है तो भगवान महावीर स्वामी हैं, और वह महावीर स्वामी जिनके लघुनंदन बनने का सौभाग्य हम लोगों को हुआ, और फख्र है अपने आप पर कि भगवान महावीर स्वामी के संतान होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों को आत्मसात करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, भगवान महावीर स्वामी का वह पचरंगा झंडा लेकर के चलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, हमें मिला इसे हम बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। अब आंधा आज भगवान महावीर स्वामी के रविंद्र जैन ने भजन गाया था जो आपने भी सुना होगा, क्या वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। मुझे जर्मनी की घटना याद है, जर्मनी में जब भी आप कभी जाएं, जापान में यदि आप कभी जाएं, वहां पर म्यूजियम में जरूर जाना, वहां के म्यूजियम में जरूर जाना, वहां के म्यूजियम में भी आप देखेंगे तो वहां पर जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो जो भी खोज की है और वहां पर उस म्यूजियम में उन सभी साइंटिस्टों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, तीन तीन चार चार फुट की एक एक फोटो फोटोग्राफ अलग अलग साइंटिस्टों के पूरे म्यूजियम में लगे हुए हैं चारों ओर। पर
हम जैनियों को शान की बात है, पहचान की बात है, गर्व की बात है कि वहां पर उन साइंटिस्टों के फोटो के बीच में अगर सभी साइंटिस्टों का फोटो का साइज यदि 3 फुट का है तो भगवान महावीर स्वामी का साइज 7 फुट का है। वहां पर जब दृष्टि उठा करके देखा गया, दृष्टि को उठा करके चारों ओर देखा, एक एक साइंटिस्ट की फोटो को देखा, एक एक साइंटिस्ट की तरफ दृष्टि उठा के देखा, और वहां जब देखा दृष्टि रुकी तो महावीर स्वामी के फोटोग्राफ पर रुकी। वहां लिखा था नीचे बिग साइंटिस्ट महावीर। बोले ये सब साइंटिस्ट हैं और ये साइंटिस्टों के साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है बिग साइंटिस्ट महावीर। बोले जिनसे हमें प्रेरणा मिली, जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने खोजबीन की ना महाभा कि वो महावीर स्वामी हैं। जो खाली हम लोग तो सिर्फ खाली विरासत में मिले हमको महावीर स्वामी, इसलिए हम कहते हैं कि महावीर स्वामी हमारे हैं। पर उन साइंटिस्टों से पूछो जिनने अपने ग्रंथों को ले जाकर के और ग्रंथों को पढ़ा भी गए और पढ़ने के बाद उस पर रिसर्च भी की गए और रिसर्च करके उनकी शान बढ़ गई। अभी हम लोग जब दिल्ली में थे तो राजनाथ सिंह ने आकर के तत्वा सूत्र के 5वें अध्याय की व्याख्या करके उन्होंने अणु और परमाणु की चर्चा की और उन्होंने कहा कि जैन दर्शन वो जैन दर्शन है कि आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं परमाणु की खोज भी नहीं कर पाए और जैन दर्शन ने सदियों पहले परमाणु की बात कह दी थी। महानुभाव इसे आज पर देखें, आज संपूर्ण भारत में संपूर्ण वर्ल्ड में हम देखेंगे हथियारों की होड़ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कहीं पर यूक्रेन का चल रहा है, कहीं रूस का चल रहा है, कहीं हमास का चल रहा है, कहीं इजराइल का चल रहा है। आज अपन देखेंगे अणु बम की बात चलती है, वो कहते हमारे पास अणु बम है, फिर हमारे पास परमाणु बम है। भगवान महावीर स्वामी ने ना अणु बम की बात की ना परमाणु बम की बात की, उन्होंने कहा कि ना अणु बम ना परमाणु बम, उन्होंने कहा अगर पालना ही है तो अणु व्रत का पालन करो। उन्होंने कहा कि हमें सारी दुनिया को, सारे वर्ल्ड को, सारे भारत को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। आज अगर घर में शांति चाहिए, देश में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, समाज में शांति चाहिए तो शस्त्र नहीं, घर घर में शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र। और भगवान महावीर स्वामी को शास्त्रों को जब हम अध्ययन करते हैं, उन शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं तो हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं। जब परिणाम जब हमारे परिणाम निर्मल होते हैं तो हमें फिर शिखर जी की जरूरत नहीं है, फिर हमें गिरनार जी की जरूरत नहीं है, फिर हमारे लिए कैलाश पर्वत की जरूरत नहीं है, फिर हमें कुंडलपुर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, फिर हमारे लिए चांदखरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो वो शास्त्र हमको स्वयं तीर्थ बना देते हैं। तो तीर्थ बनने की